प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 9 से जुलाई मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में ना हम लोग हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की जो है ना आपको बताएंगे, साथ में इसका PDF कहाँ से डाउनलोड करना है ये भी जो है ना सिखाने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है और सेम टू सेम यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो देखिएगा, विषय कोड आप लोगों का 101 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, टोटल जो है ना 50 नंबर का एग्जाम होगा। तो देखिए, सबसे पहले प्यारे बच्चों, सेशन ए में जो है ना 1 से लेकर के 30 तक प्रश्न पूछा गया, जिसमें से मात्र आपको किन्हीं 25 प्रश्नों का ही जवाब देना होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहला नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया, राम कुमार जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो नोट करिएगा, पहला काशी होगा, राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए। प्रश्न पूछा गया, उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? तो नोट करिएगा, राइट आंसर 2 का ऑप्शन होगा, शिमला में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लीजिए प्यारे बच्चों, प्रश्न आप लोगों से जो पूछा जा रहा है, प्रश्न 3 नंबर पूछा जा रहा है, टॉलस्टॉय के घर पजन टॉलस्टॉय के घर पाठ के लेखक कौन है? तो आप नोट करेंगे, राइट आंसर बिल्कुल होगा 3 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शरद जोशी हो जाएगा। इसके आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, प्रश्न आप लोगों से जो है ना 4 नंबर पूछा जा रहा है। प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रख्यात चित्रकार और लेखक राम जो है ना राम कुमार का जन्म कब हुआ? तो नोट करिएगा, 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 1924 ईस्वी होगा। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया, इन्होंने अर्थशास्त्र में MA कहाँ से किया था? तो आप नोट करेंगे, 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि दिल्ली से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों से पूछा जा रहा है प्रश्न की, पारिवारिक कारणों से उनकी शिक्षा के लिए कहाँ जाना पड़ा? तो आप नोट करेंगे, 6 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, हरियाणा जाना पड़ा था। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपसे 7 नंबर बोला जा रहा है प्रश्न की, विष्णु देख लीजिएगा क्या है प्रश्न की, विष्णु प्रभाकर जी के जीवन पर किसके जीवन दर्शन का गहरा प्रभाव पड़ा है? तो आप 7 का नोट करेंगे, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी कि आर्य समाज तथा महात्मा गाटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए, प्रभाकर जी के सर्वाधिक चर्चित कृति कौन सी है? तो आप नोट करेंगे, राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पर 8 का ऑप्शन नंबर देना ए हो जाएगा, ये आ जाएगा आवारा मसीहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखिएगा, 9 नंबर है ना, अष्टावक्र वक्र शारीरिक रूप से कैसे थे? तो नोट करिएगा, 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कमजोर था। चलिए आगे बढ़ते, तो देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर आप लोगों से 10 नंबर पूछा जा रहा है, अष्टावक रोज जो है ना शाम को खेमचा लगाकर क्या बेचा करता था? तो आप 10 का नोट करेंगे, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, चाट। देखिए प्रश्न आप लोगों से 11 नंबर पूछा जा रहा है प्रश्न की, अष्टावक का मुख कैसा था? तो आप नोट कर लीजिएगा, 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लंब और वक्र। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो है ना 12 आप लोगों से पूछा जा रहा है, प्रश्न बोला जा रहा है कि बताइए, अमृत और विश्व पर जो है ना नागर जी को कौन सा पुरस्कार मिला? तो आप 12 का नोट करेंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, साहित्य अकाडमी अवार्ड मिला था उनको। क्वेश्चन नंबर आप लोग 13 नंबर को देखिए, 13 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है प्रश्न की, नागर जी अपने व्यक्तिगत और सामाजिक अनुभवों को किस पर जो ना कसते हैं? तो आप नोट करिएगा, 13 का ऑप्शन नंबर ए होगा, कसौटी पर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, 14 नंबर आप लोगों से पूछा गया, उनकी कसौटी कैसी थी? तो आप 14 का याद कर लीजिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, भारतीय जन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखिए, 15 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है, अंधश्रद्धा को काटने के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो आप 15 का नोट करेंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि टर्को का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए प्रश्न आप लोगों से, 16 नंबर पूछा जा रहा है, भारत में सिनेमा का काम शुरू करने वाला व्यक्ति कौन थे? तो आप 16 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर ए होगा, सावे दादा। क्या थे प्यारे बच्चों? सावे दादा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों से बोला जा रहा है, भारतीय फिल्म उद्योग के जनक किसे कहा जाता है, यानी माना जाता है? तो आप 17 का नोट करेंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, दादा साहेब फाल्के जी को माना
जाता है। तो चलिए आगे बढ़। तो प्यारा बच्चों, तो आप लोगों को जो है ना सबसे पहले गूगल को ओपन कर लेना है सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके। अभी आप लोग जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर। तो आप लोगों को चैनल का नाम गूगल में आकर के सर्च कर लेना है। उसके बाद आप थोड़ा सा ऊपर करिएगा तो फर्स्ट में जो है ना मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको एक बार जूम करके भी दिखा दूँ। तो ये रहा प्यारे बच्चों, आप लोगों को बस इसी पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करिएगा आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है। नीचे आइएगा तो क्लास नाइन्थ का एक आप लोगों को सेशन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और फर्स्ट में जो है ना प्यारे बच्चों लिखा हुआ मिलेगा बिहार बोर्ड क्लास नाइन्थ जुलाई मंथली एग्जाम के लिए पेपर। तो आप यहाँ से डाउनलोड करोगे। अगर आप लोगों को इसका जो है ना रूटीन डाउनलोड करना हो तो आप लोग यहाँ नीचे दिया गया है, यहाँ से डाउनलोड कर पा सकेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं पेपर को। तो फर्स्ट वाले पर क्लिक करिए। अब इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। तो आपको पेज को जरूर एक बार यहाँ पर रिफ्रेश करके जाना है, पहले ही बोल दे रहा हूँ, तभी आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए रिफ्रेश करके नीचे आइएगा इस प्रकार से। तो आपके सामने प्यार बच्चों यहाँ पर देखिएगा क्लास नाइन्थ के लिए ऑल सब्जेक्ट का पेपर का लिंक आपको मिल जाएगा, हिंदी का, संस्कृत का, साइंस का, सोशल साइंस का। इसके आगे बढ़ेंगे तो प्यार बच्चों आप देखेंगे मैथ का, इंग्लिश का, उर्दू का, नॉन हिंदी का, ऑलमोस्ट टोटल मिलेगा। हमें फिलहाल अभी करना है हिंदी का डाउनलोड। तो यहाँ पर हिंदी है, सामने में डाउनलोड लिखा है, तो डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। पेज को जरूर रिफ्रेश आप लोगों को नीचे की ओर एक बार खींच के कर लेना है। जैसे ही हो जाएगा अब आपको आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे चले आना है। नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिएगा आप लोगों के सामने प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव के सारे प्रश्नों का आंसर की देखने को आपको मिल जाएगा। तो आप सारे प्रश्नों का आंसर की आकर के यहाँ से लिख सकते हैं। इसके अलावा नीचे आइएगा तो आपको सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी मैं प्रश्न आपको दिखाऊंगा और आंसर भी दिखाऊंगा, बट यहाँ पर मैं आंसर डालूंगा, आप यहाँ से आकर के डाउनलोड करोगे। इसके बाद प्यारे बच्चों एक चीज़ मैं आपको नहीं बताया, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का देखो, यहीं पे आप देखोगे ना तो लिंक भी मिल जाएगा, ज्वाइन आप पे क्लिक करके इसको भी ज्वाइन आप लोग कर लेना। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर बोला गया, लाल पान की बेगम एक कैसी कहानी है। तो आप नोट करिएगा 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि आंचलिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर बोला, कौन सी कहानी हमारी बेगम मनपसंद है। तो नोट करेंगे 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लाल पान। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, यहाँ पर देखिए 20 नंबर पूछा जा रहा है आप लोगों से। प्रश्न क्या पूछा गया, प्रश्न है कि लाल पान की बेगम कौन सी परिवेश की कहानी है। तो आप 20 का नोट करेंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ग्रामीण कहानी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 21 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है। प्रश्न पूछा जा रहा है, नाच देखने दिखाने के बहाने कहानीकार ने ग्रामीण जीवन के कौन सा रंगे का संवेदना जो है ना प्रकट किया है। तो आप 21 का नोट करेंगे, राइट आंसर ऑप्शन होगा अनेक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 22 नंबर को देख लीजिए। प्रश्न पूछा गया कि हमारी पाठ्य पुस्तक में रेणु किस कहानी में शामिल है। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि लाल पानी की बेगम में। क्वेश्चन नंबर 23 बोला गया, लाल पानी की बेगम किसे कहा गया है। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बिरजू की माँ को। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, प्रश्न आप लोगों से 24 नंबर पूछा गया। प्रश्न की जीवन की शुद्धता और भाव की सरलता जिन ग्राम गीत में मिलता है उतना कौन सा परिवर्तन कला में नहीं मिलता है। तो आप नोट करेंगे 24 का ऑप्शन नंबर ए होगा, गाना में। ठीक है, चलिए अब 25 नंबर प्रश्न है, मनुष्य की दो संतान प्रवृत्तियां हैं, पहला प्रेम दूसरा प्यार। तो नोट करिएगा 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल भी होगा, यह का ग्राम गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, आदि कवि में रामायण रामकथा किसने लिखी थी। तो 26 का ऑप्शन नंबर जो है ना ए होगा, वाल्मीकि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 27 नंबर पूछा जा रहा है। प्रश्न की मेघदूत कवि वर्ग किसकी जो ना काव्य रचना है। तो आप 27 का नोट करेंगे, राइट आंसर ऑप्शन होगा कालिदास जी का। क्वेश्चन नंबर 28 को देख लीजिएगा, ग्राम गीतों में हमारी सभ्यता और किसकी चित्र जो है ना वर्णित है। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन होगा, संस्कृति का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिएगा 29 नंबर है, ग्राम गीत ही कला गीतों का क्या है। तो आप 29 का नोट करेंगे, ऑप्शन होगा मरुदंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर प्रश्न पूछा गया, महिलाएं किसको दूर करने के लिए गीत गाती है। तो आप याद कर लीजिएगा थकावट को, तो राइट आंसर ऑप्शन ही होगा। तो हमने ये प्रश्न सारे जो भी था सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में हमने देख लिया है प्यार बच्चों।
अब मैं आपको सब्जेक्टिव प्रश्न दिखाता हूँ, इसका उत्तर जहाँ से डाउनलोड करने के लिए बताया वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर लेना, और नेक्स्ट वीडियो में आंसर लेके आऊँगा। आप उसके लिए क्या कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस करके रखिए, और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए किस सब्जेक्ट का आपको पेपर चाहिए। तो चलिए प्रश्न इसमें जो है ना पूछा जा रहा है पहला नंबर की, निम्नलिखित में से एक विषय पर आपको टिप्पणी लिखना है यानी निबंध लिखना है। आप पहला पर लिख सकते हो भारतवर्ष पर, मेरे प्रिय पुस्तक पर, वैज्ञानिक प्रगति और मानव जीवन पर, तेसाटन के लाभ और दुर्गा पूजा, किसी एक पर लिखना है। तो यहाँ पर आंसर मैं पहला नंबर का ही दूंगा, आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेना। पांच नंबर वाला ये क्वेश्चन है, इसके बाद दो नंबर प्रश्न में देखोगे मासिक परीक्षा की तैयारी के लिए उल्लेख करते हुए अपने बड़े भाई के पास एक पत्र लिखना है, या फिर आठवां में दिया गया है बढ़ती हुई महंगाई पर दो छात्रों के बीच संवाद को लिखना है। तो आप कोई एक बना सकते हो, ऊपर वाला बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए तीन नंबर प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं पांच का उत्तर देना है। ये दो नंबर वाला प्रश्न है यानी कि पांच बनेगा तो 10 नंबर आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। तो पहला देख लीजिए, लौकिक गीत किसे कहते हैं, दूसरा है यहाँ पर देख सकते हो, तीसरा है, चौथा है, पांचवा। तो इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर दिया जा रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर पांचवा देख सकते हो, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, 10 नंबर तक है। तो किसी भी प्रश्न को आप बना सकते हो, जो भी बन पाए आप बना लेना। आगे बढ़ेंगे, अब चार नंबर के निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर देना है, ये आप लोगों के लिए पांच नंबर वाला प्रश्न है। तो यहाँ पर देख लो, कोई एक प्रश्न का जवाब देख सकते हो। पहला नंबर का यहाँ पर क में दिया जाए, निबंध लेखन में क्या कल्पना का क्या महत्व है, या फिर आप इसको बना सकते हो। यहाँ पर दिया गया इस पंक्ति का व्याख्या करना, इसका अर्थ बतलाना है, तो कोई एक बना सकते हो। ये 25 नंबर के लिए आपका सब्जेक्टिव था, 25 नंबर के लिए ऑब्जेक्टिव को हमने टोटल आपको दिखा दिया। अब आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जहाँ से आंसर के डाउनलोड करने के लिए होता है वहाँ से कर लेना, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।